गुनो पुलिस के द्वारा संपत्ति संबंधी मामलों में सक्रियता से खुलासे किए जा रहे हैं और मध्यरात्रि में कैंटा थाना अंतर्गत बजरंगगढ़ बायपास पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जेन मार्बल गोदाम से टाइल्स चोरी के मामले में सघनता से कार्रवाई करते हुए मात्र 18 घंटे के भीतर ही चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ तकरीबन 2.50 लाख रुपए की टाइल्स की 120 पेटियां सहित चोरी के मामले में प्रयोग किए गए छोटा हाथी वाहन को भी बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। फरियादी राजेश जैन निवासी पुरानी गल्ला मंडी गुना द्वारा कैंटर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और दिनांक 21 फरवरी 2022 की मध्यरात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी बजरंगगढ़ बायपास पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जैन मार्बल गोदाम से कंपनी के टाइल्स की तकरीबन 120 पेटी चोरी करके ले गया, जिसके रिपोर्ट पर थाना केंद्र अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 140/22 धारा 457 एवं 380 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर सूचना मिल गया है। ऐसा पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि दीपक पुत्र कालूराम ओझा नागदा कॉलोनी कुशमोदा द्वारा ये वारदात की गई है, उसको पता करके पकड़ा, हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। उसके पास से ये पूरी टाइल बरामद हुई और जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो बरामद हुई। इस प्रकार से लगभग 8 लाख का मशरू का इसको गिरफ्तार करके बरामद किया गया है और ये मात्र 15 से 18 घंटे के अंदर इस चोरी को पकड़ लिया गया है। इस तरह से जो भी संपत्ति संबंधी अपराध हो रहे हैं उनका शीघ्र खुलासा किया जा रहा है। इसमें जिस भी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है उन्हें पृथक से पुरस्कृत किया जा रहा है।